बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल स्टोरी लैंड ऑफिशियल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम उम्मे मोहम्मद एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट यूनिट नंबर 6 फ्रॉम द बुक ऑक्सफोर्ड अंडरस्टैंडिंग स्टेम क्लास 3। एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट, दिस चैप्टर इज नेचुरल रिसोर्सेज। If you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. और इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड एनिमेटेड वीडियोज़ देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। चलिए अपना लेक्चर का आगाज़ हम प्रेयर से करते हैं। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। He said, My Lord, put my heart at peace for me and make my task easy for me and remove the knot from my tongue so that they may understand my speech. This is unit number 6 of this book and the name of this unit is Natural Resources. Natural Resources bolte hain kudrati zaraye ko. Next page se humare chapter ki reading start hoti hai. The planet Earth on which you live is remarkable. Planet means sayara. अर्थ ज़मीन जो सयारा जिस पर हम रहते हैं बहुत काबिल ज़िक्र है। एवरी थिंग हर चीज़ यू नीड जो आपको चाहिए टू सस्टेन लाइफ ज़िंदगी को जारी रखने के लिए इज़ प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट इस सयारे पर मौजूद है। अर्थ इज़ मेड अप ऑफ एयर वाटर एंड लैंड। ज़मीन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? हवा पानी और मिट्टी से या ज़मीन से। दे प्रोवाइड मैनी यूजफुल थिंग्स विच आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्सेज और इनसे हमें बहुत सी मुफीद चीज़ें मिलती हैं जिनको हम कुदरती ज़राए बोलते हैं। पिक्चर में हम देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स रिलाई हैविली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। अब जितने भी इंसान हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात का इन्हसार उन कुदरती ज़राए पर होता है जो वो ज़मीन से हासिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। अ नेचुरल रिसोर्स इज़ समथिंग दैट इज़ नेचुरली फाउंड ऑन अर्थ। कोई भी ऐसी चीज़ जो कुदरती तौर पर ज़मीन पर पाई जाए एंड विच कैन बी यूज्ड बाय पीपल और जिसको लोग इस्तेमाल कर सके। अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड लाइट एयर वाटर प्लांट्स एनिमल्स सॉइल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब ज़मीन पर जितने नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती ज़राए पाए जाते हैं उनकी अगर हम लिस्ट बनाएं तो उसमें शामिल हैं रोशनी, हवा, पानी, पौधे, जानवर, मिट्टी, मादनियात और फॉसिल फ्यूल्स यानी ईंधन वगैरह जो पेट्रोल वगैरह की शक्ल में या गैस की शक्ल में हम ज़मीन से हासिल करते हैं। नीचे हमें यही पूरी लिस्ट एक चार्ट की शक्ल में दे दी गई है। सभी चीज़ों के हम नेम देख सकते हैं। सभी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज ज़मीन पर हम यूज़ करते हैं उन सब के नेम हैं यहाँ पर। अब हम इन सभी रिसोर्सेज के बारे में बारी बारी डिटेल से डिस्कशन करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रिसोर्स है दैट इज़ वाटर, पानी। ऑल एनिमल्स रिक्वायर वाटर टू लिव। जितने भी जानदार हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग फूड खाना बनाने के लिए एंड क्लीनिंग और सफाई के लिए। वाटर हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो एंड मेक फूड। वाटर से या पानी से पौधों को भी बड़ा होने में नशोनुमा में उनकी मदद मिलती है और उनको खुराक तैयार करने में भी मदद मिलती है। डैम्स आर बिल्ट टू होल्ड बैक रिवर्स एंड क्रिएट रिजर्वायर्स टू प्रोवाइड वाटर फॉर लार्ज पॉपुलेशन टू ड्रिंक। अब डैम से क्या होता है, एक तो बिजली बनाने का काम किया जाता है, दरियाओं में पानी को रोका जाता है और बहुत सारे लोगों के पानी की जो पीने की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाता है। टू इरीगेट क्रॉप्स, फसलों में जो हम करते हैं ज़रात के लिए भी इस पानी को इस्तेमाल करते हैं एंड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड एरिया फॉर रिक्रिएशन। इस टाइम देख सकते हैं डैम्स हमारे बहुत से कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं, इनसे हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं यानी बिजली बनाना, फसलों को पानी देना, लोगों के पीने के लिए पानी मुहैया करना या फिर लैंड्स को रिक्रिएट करने के काबिल बनाना, एरियाज़ को रहने के काबिल बनाना। डैम्स की वजह से जब पानी रुक जाता है तो ये सैलाब की रोकथाम के लिए भी यूज़ होते हैं जब ये दरिया में पानी को रोकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है लैंड, ज़मीन। सम कॉमन लैंड रिसोर्सेज आर ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, मेटल्स एंड मिनरल्स। अब जो लैंड के रिसोर्सेज हैं उनमें तेल शामिल है, कुदरती गैस, कोयला, धातें और मादनियात। ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस आर फ्यूल्स फॉर एनर्जी। इनमें तेल, कोयला और जो कुदरती गैस है ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ताकि तवानाई हासिल की जा सके। एंड आर यूज टू रन मशीन्स, उनको मशीनें चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंक्लूडिंग कार्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स। और इन मशीनों में बड़ी मशीनें भी शामिल हैं जैसे गाड़ियाँ वगैरह या हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़।
मिनरल आयरन इज यूज टू मेक स्टील, लोहे से हम स्टील बनाने का काम करते हैं, ऐसा लोहा जो जमीन से हासिल किया जाता है। एल्युमिनियम टू मेक कैंस एंड अदर थिंग्स, एल्युमिनियम से कैंस वगैरह बनाए जाते हैं और दूसरी चीज़ें बनाई जाती है, मसलन सोडा कैंस होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह के, तो वो एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। ऑयल इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक्स, और ऑयल से प्लास्टिक का सामान बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर, हवा। एयर सराउंड्स द एंटायर प्लैनेट एंड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा ने क्या किया हुआ है पूरे सैारे को अपने घेरे में लिया हुआ है, पूरे प्लैनेट के इर्द गिर्द है, और इसके अलावा ये प्लैनेट के ऊपर भी हर जगह मौजूद है। इट इज़ इन द माउंटेन्स, ये पहाड़ों में है। इट इज़ इवन फार आउट ऑन द ओशन एंड स्काई, आसमान पर और दरियाओं वगैरह में, समंदरों पर, हर जगह मौजूद है हवा। एयर हैज़ ऑक्सीजन दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू ब्रीथ एंड टू स्टे अलाइव, हवा में ऑक्सीजन भी शामिल होती है जो कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए और सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है। एयर ऑल्सो हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, विच प्लांट्स यूज टू मेक देयर ओन फूड, जिससे पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेस्ट एंड प्लांट्स, जंगलात और पौधे। मैनी प्लांट्स आर यूज फॉर फूड बाई एनिमल्स, बहुत से पौधे ऐसे हैं जो कि जानवरों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीड्स कम फ्रॉम प्लांट्स, और जितने भी फल हैं, सब्जियाँ हैं या बीज हैं वो भी पौधों से हासिल किए जाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स, और इसके अलावा प्लांट्स बहुत से जानवरों के लिए मस्कन भी मुहैया करते हैं, यानी उनके रहने की जगह भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ कैटरपिलर ईट्स द लीव्स ऑफ द प्लांट वाइल लिविंग ऑन द प्लांट, जब कैटरपिलर प्लांट पे रह रहा होता है तो वो पौधे के पत्तों को खाता है, उसकी खुराक होती है, तो उसका घर भी है और उसकी फूड भी है। वी मेक यूज़ ऑफ वुड ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स टू मेक डिफरेंट थिंग्स, हम जो पौधों से लकड़ी हासिल करते हैं उससे बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, सच एज़ डेस्क, चेयर्स, वार्डरोब्स एक्सेट्रा। अब ये इसमें लिस्ट शामिल है, इसमें कुर्सियाँ, मेज़ या फिर अलमारियाँ वगैरह शामिल हैं। पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स, पेपर भी पौधों से ही बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, अब कपड़े कॉटन प्लांट्स से बनाए जाते हैं, कपास के पौधे से। प्लांट्स यूज़ द सॉइल टू ग्रो, पौधों को बड़ा होने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। एंड प्रिवेंट इट्स लॉस बाय होल्डिंग इट टाइटली बाय देयर रूट्स, और वो अपनी जड़ों से इस मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं ताकि वो इसमें अच्छे से अपने आप को ग्रिप कर सकें और ग्रो कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एनिमल्स, एनिमल्स जानवर। एनिमल्स आर नेचुरल सोर्सेज टू, एनिमल्स यानी जानवर भी कुदरती ज़रिया हैं। मैनी पीपल ईट चिकन, बहुत से लोग चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, एंड अदर एनिमल्स और दूसरे जानवरों को। द मिल्क फ्राम काउस, गोट्स एंड शीप्स इज यूज टू मेक बटर एंड चीज़, अब जो गाय से, बकरियों से या भेड़ों वगैरह से दूध हासिल किया जाता है उससे मक्खन और पनीर वगैरह बनाया जाता है। लेदर इज़ मेड फ्राम एनिमल स्किन, जानवरों की स्किन से लेदर की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। शूज़ एंड कोट्स कैन बी मेड फ्राम लेदर, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जूते और कोट वगैरह। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन हैबिटेट्स, मस्कन के ऊपर जो इंसानी असरात हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर अर्थ, ज़मीन को जानवर, पौधे और इंसान शेयर करते हैं, बांट के इस पर रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। द प्लैनेट अर्थ हैज़ सेवरल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, और इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, इस सैारे ज़मीन के ऊपर बहुत से ऐसे ज़राए हैं जिनको सभी जानदार चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। प्लांट्स फीड एनिमल, पौधों से जानवरों की खुराक मिलती है, एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। इफ़ प्लांट्स डाई ऑफ, अगर पौधे मर जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, ह्यूमंस एंड एनिमल्स विल स्टार्व, जानवर और इंसान भूखे हो जाएंगे, फाका करना पड़ेगा उनको, एंड डाई और मर जाएंगे ड्यू टू अ लैक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, क्योंकि उनके पास खुराक भी नहीं होगी और ऑक्सीजन भी नहीं होगी। सम ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस स्मोक, वेस्ट्स एंड हार्मफुल गैसेज, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से मुराद है इंसानी सरगर्मियाँ, यानी इंसान कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे धुआं पैदा होता है या फिर उससे बहुत फजूल मादे पैदा होते हैं, या फिर हार्मफुल गैसेस, मीन बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली गैसें जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती थी, पोल्यूट द अर्थ, और ये ज़मीन को गंदा कर देती हैं। पोल्यूशन इज़ पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, आलूदगी की वजह से, पोल्यूशन बोलते हैं आलूदगी को, आलूदगी की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सी नुकसानदेह चीज़ें हमारे माहौल में शामिल हो रही हैं। एयर, वाटर एंड सोइल आर ऑल अफेक्टेड बाय पोल्यूशन, इसमें हवा, पानी और मिट्टी सभी शामिल हैं और ये सभी इससे मुतासिर हो रहे हैं इस आलूदगी की वजह से।
एयर पोल्यूशन अकर्स व्हेन द एयर गेट्स डर्टी. एयर पोल्यूशन होती है, हवाई आलूदगी होती है जब हवा गंदी हो जाती है. व्हेन गार्बेज एंड वेस्ट आर बर्न, जब कूड़े करकट को जलाया जाता है. दे गिव ऑफ स्मोक, वहाँ से धुआं पैदा होता है. फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स ऑल्सो गिव ऑफ स्मोक, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से भी धुआं पैदा होता है. एंड हार्मफुल गैसेज, और बहुत नुकसानदेह गैसें भी. दैट पोल्यूट द एयर, जो कि हवा को आलूदा कर देती हैं. दे मेक ह्यूमंस सिक, इंसानों को बीमार कर देती हैं. वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन डर्टी सब्सटेंसेस और केमिकल्स फ्रॉम सिटीज एंड इंडस्ट्रीज गेट इनटू रिवर्स एंड सीज. अब वाटर पोल्यूशन या पानी की आलूदगी, आबी आलूदगी जिसको हम बोलते हैं, वो कब होती है? जब बहुत से जो डर्टी सब्सटेंसेस हैं, बहुत गंदे मादे या केमिकल्स वगैरह जो फैक्ट्रियों से आते हैं, इंडस्ट्रीज से आते हैं, वो दरिया में या समुद्रों में शामिल कर दिए जाते हैं. एनिमल्स ड्रिंक दिस वाटर, जानवर इस पानी को पीते हैं. एंड गेट सिक और डाई, या बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएट वेस्ट, इंसानी सरगर्मियों की वजह से, इंसान के कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से वेस्ट पैदा होता है. ऐसी चीज़ें बनती हैं जो उसको ज़रूरत नहीं होती, फजूल होती हैं. व्हेन दिस वेस्ट इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, जिसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, ख़त्म नहीं किया जाता प्रॉपरली, मुकम्मल तरीके से. एंड इट इज़ डम्प्ड इन ओपन स्पेसेस, और खुली जगहों पर फेंक दिया जाता है. इट पोल्यूट्स द लैंड, इससे ज़मीन भी आलूदा हो जाती है. द लैंड बिकम डर्टी एंड स्मेली, ज़मीन में गंदगी हो जाती है और उसमें बदबू आने लगती है. इट अट्रैक्ट्स मैनी इंसेक्ट्स, इसकी वजह से बहुत से जो हशरात हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मुतवज्जो होते हैं. एंड रैट्स, और चूहे वगैरह, एंड अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे ऐसे जानदार जो बीमारी का सबब बनते हैं. हम पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे. लिटर पोल्यूट्स लैंड एंड रुइंस द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लैंड, कूड़े करकट की वजह से क्या होता है, एक तो पोल्यूशन हो जाती है, दूसरा वहाँ की नेचुरल जो कुदरती खूबसूरती है ज़मीन की, वो ख़त्म हो जाती है. When a resource is used, जब एक ज़रिए को इस्तेमाल किया जाता है, used up faster than it can be replaced, यानी उसके जो रिप्लेस करने की स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड में उसको यूज़ किया जाता है. It creates an imbalance, इससे इम्बैलेंस हो जाती है वो चीज़ इन आर एनवायरनमेंट, हमारे माहौल में. जैसे हम लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और दरख्त को क्योंकि बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर हम ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल कर लेंगे और ज़्यादा लकड़ी पैदा नहीं करेंगे, ज़्यादा दरख्त नहीं लगाएंगे, तो इससे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. दिस अफेक्ट्स द अर्थ, और इससे ज़मीन मुतासर होती है इन अ वेरी बैड वे, बहुत बुरे तरीके से. एज नॉट ओनली नेचुरल रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड, इससे ना सिर्फ ये होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती ज़राए कम हो जाते हैं, बट हार्मफुल थिंग्स आर ऑल्सो एडेड टू द एनवायरनमेंट, बल्कि माहौल में बहुत सी नुकसानदेह चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं. लीडिंग टू पोल्यूटेड एयर एंड वाटर, और इसकी वजह से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हो जाती है. डिक्रीजिंग नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की जो तादाद है वो कम हो जाती है. एनिमल्स एंड फिश, जानवरों की भी और मछलियों की भी, क्योंकि पानी में भी पोल्यूशन हो जाती है, हवा में भी और लैंड पर भी. मैनी थिंग्स लिव एंड ग्रो ऑन अर्थ, बहुत सी चीज़ें ज़मीन पर रहती हैं और ग्रो करती हैं, नशोनमा पाती हैं. फॉर देम टू सर्वाइव, उनके ज़िंदा रहने के लिए द अर्थ रिसोर्सेज नीड टू बी कंजर्व्ड, ज़मीन की जो ज़राए हैं कुदरती ज़राए, उनको बचाने की ज़रूरत है, उनकी हिफाजत की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक केयर ऑफ अर्थ, आपको ज़मीन की हिफाजत करने की ज़रूरत है, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है. सो दैट, इसके नतीजे में क्या होगा, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन सर्वाइव एंड फ्लरिश, पौधे जानवर और इंसान यहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे और अच्छे तरीके से नशोनमा पा सकेंगे. सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है. प्लांट्स कैन ग्रो, पौधे उगाए जा सकते हैं. एंड यंग एनिमल्स कैन बी बोर्न, और जो छोटे जानवर हैं वो भी पैदा हो सकते हैं, फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं. हाउ एवर मैनी कैन नॉट बी रिप्लेस, लेकिन कुछ ऐसे हैं या कई ऐसे हैं कुदरती ज़राए जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते. मिनरल्स कोल एंड गैस टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, अब कुदरती गैस को, कोयले को, या फिर मादनियात वगैरह जो हैं उनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा मिलियन लाखों साल चाहिए होते हैं. इफ़ दे आर यूज्ड अप, इनको इस्तेमाल किया जाता है, दे आर गोन फॉर एवर, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं. यानी पेट्रोल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम दोबारा नहीं बना सकते उसको. द ओशंस आर ह्यूज, समंदर बहुत बड़े हैं, बट दे आर नॉट फ्रेश वाटर, लेकिन इसमें ताज़ा पानी नहीं है. एंड नॉट फॉर ड्रिंकिंग, और ये पीने के लिए नहीं है. सो फ्रेश वाटर मस्ट बी यूज केयरफुली, तो फ्रेश वाटर या ताज़ा पानी जो होता है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज वाइजली एंड केयरफुली, कुदरती ज़राए जितने भी हैं उनको बहुत अक्लमंदी से और बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. वैन यू कंजर्व रिसोर्सेज, जब आप इन रिसोर्सेज को, इन ज़राए को, इनकी हिफाजत करेंगे, यू प्रोटेक्ट देम एंड सेव देम, आप इनको बचा लेंगे, इनको महफूज कर लेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज के नेम्स हमें गिवन है, और इनको जो कंजर्व करने के वेज हैं वो भी हम देख सकते हैं, इनको बचाने के तरीके.
सबसे पहले है वाटर, पानी। टेक शॉर्ट शावर्स, छोटे छोटे शावर्स लें, यानी बहुत कम पानी यूज़ करते हुए आप नहाएं। टर्न ऑफ द वाटर व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, जब आप दांत ब्रश कर रहे हैं तो अपने नलके को बंद कर दें। ट्रीज़ दूसरे नंबर पे है। प्लांट्स, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। डू नॉट कट ट्रीज, दरख्तों को बिलावजह ना काटें। रिसाइकल पेपर और पेपर को रिसाइकल करें। तीसरे नंबर पे है ऑयल यानी तेल। वॉकिंग एंड राइडिंग बाइसिकल, आप बाइसिकल पे राइड कर सकते हैं या फिर आप वॉक कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, और प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडेंजर्ड एनिमल्स। टू बी एक्सटिंक्ट मीन्स टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो इस दुनिया में नहीं है, मादूम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान यूज़ टू बी होम ऑफ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। बलूचिस्तान में जो लैंड के सबसे लार्जेस्ट एनिमल है उनका ये घर था, वो रहते थे यहाँ पे, जिसका नाम था द बलूची थीरियम, मिलियन ऑफ ईयर्स को, लाखों साल पहले। सिमिलर टू द डायनासोर एंड द डोडो, यानी डोडो बर्ड जो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, और डायनासोर्स भी, ये उन दोनों से मिलता जुलता था। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सटिंक्ट एनिमल, ये भी एक्सटिंक्ट यानी मादूम हो चुका है, ये जानवर ख़त्म हो चुका है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज़ अ मेजर रीज़न फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स टू बी अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में जितने भी जानवर हैं जिनके एक्सटिंक्ट होने का हमें डर है, उसकी वजह क्या है कि उनके जो हैबिटेट्स हैं, उनके मस्कन, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी वजह है एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। एन एग्जांपल इज़ द एंडेंजर्ड बलूचिस्तान फॉरेस्ट डॉरमाउस। इसकी एग्जांपल है बलूचिस्तान का जो डॉरमाउस है, हुज नंबर आर रिड्यूसिंग, इसकी तादाद कम होती जा रही है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट हैबिटेट। क्योंकि ये जंगल में रहते हैं और जंगलात कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इसके हैबिटेट में कमी हो रही है, इस वजह से इसकी अपनी तादाद भी कम होती जा रही है, और ये इसके ख़त्म होने का डर है। अगर इनके हैबिटेट ख़त्म हो गए तो ये भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के हमारे अपने मुल्क के जो और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनमें अगर हम देखें तो इंक्लूड शामिल हैं मारखोर, और नेशनल एनिमल जो कि हमारा कौमी जानवर भी है, एशियन ब्लैक बेयर, एशिया का जो काला भालू यानी काला रीछ है वो, एंड इंडस रिवर डॉल्फिन, और दरिया सिंध की जो डॉल्फिन्स हैं। If we are not careful, अगर हम मोहतात नहीं होंगे, and do not preserve the habitats of these endangered animals, इन जो जानवर हैं जो इस वक्त ख़तरे में हैं, इनके हम हैबिटेट की हिफाजत नहीं करेंगे, more plants and animals will become extinct, इसके नतीजे में ज़्यादा जानवर और ज़्यादा पौधे extinct हो जाएंगे, मादूम हो जाएंगे। चैप्टर के एंड में हमें माइंड मैप्स गिवन हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें शामिल हैं वाटर, लैंड, एयर, फॉरेस्ट एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बारी बारी अगर हम देखें तो वाटर में है स्टोर्स एंड डैम्स यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, लैंड के लिए है ऑयल, फ्यूल, नेचुरल गैस, फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, मेटल्स, ज्वेलरी, कॉइन्स, कोल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल इक्विपमेंट। नंबर थ्री पे है एयर, इसको देखें तो इसमें है ऑक्सीजन, ब्रीदिंग के लिए यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड प्लांट्स, इनको अगर हम डिटेल में देखें तो सोर्स ऑफ फूड, हैबिटेट फॉर एनिमल्स, रॉ मटेरियल्स, इन सब चीज़ों को हम यहाँ से हासिल करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स, फूड फॉर अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों की खुराक का बायस बनते हैं, क्लॉदिंग, कपड़ों का, एंड इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्री के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमने हमें पढ़ा वो था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम इनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। पहले हमने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, फिर फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ, नॉन रिप्लेसेबल और रिप्लेसेबल, इसकी टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले है फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ, सम एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट एंड अदर एंडेंजर्ड, ह्यूमन सिकनेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। सेकेंड नंबर पे है नॉन रिप्लेसेबल, यानी ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमने इसको रिजर्व करना होता है, इसकी कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है। एक तो ये कि वेरी हार्ड टू रिजर्व, इनको रिजर्व करना मुश्किल है, टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अगेन, इनको दोबारा बनाने के लिए लाखों साल चाहिए। नंबर थ्री पे है रिप्लेसेबल, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो रिप्लेसेबल होते हैं, कैन बी रिप्लेस्ड ओवर अ शॉर्ट टाइम स्पैन, कुछ वक्त चाहिए होता है इनको, जैसे दरख्त वगैरह हो गए। और जो तीसरा टॉपिक हमने मेन यहाँ पर पढ़ा वो था पोल्यूशन यानी आलूदगी का, इसकी थ्री टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिनमें है एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एयर को देखें तो इफेक्ट्स ह्यूमन सिकनेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये इस वजह से होती है, बर्निंग यानी जलने की वजह से, धुआं जब हवा में शामिल होता है पोल्यूट हो जाती है। लैंड के लिए है इफेक्ट, लैंड बिकम्स बैरन, ज़मीन बंजर हो जाती है, इसमें फसलें नहीं उगाई जा सकती केमिकल्स की वजह से। नंबर थ्री पे है वाटर पोल्यूशन, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, हार्म टू एक्वेटिक लाइफ,
अनड्रिंकेबल। एक तो एक्वेटिक लाइफ यानी मछलियाँ वगैरह जो पानी में रहने वाली मखलूक है उसके लिए नुकसानदेह है, और दूसरा पानी पीने के काबिल नहीं रहता। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।